आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी शाओमी के फोन में पोको या फोन का लॉन्चर और यहाँ पे वॉलपेपर और उसके रिंगटोन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों टोटल विदाउट रूट, इसके लिए रूट की जरूरत नहीं है। हे दोस्तों, मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मदन गायकवाड़। देख सकते हो मेरा फोन रेडमी नोट 5 प्रो है और इसमें जो वॉलपेपर लगा हुआ है ये पोको F1 का ही है। और दोस्तों जो लॉन्चर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी दोस्तों पोको F1 का ही है। तो दोस्तों ये विदाउट रूट है, इसके लिए रूट की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसमें थोड़े फीचर अब कम है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सर्च बार आता है और यहाँ पे दोस्तों स्लाइडिंग नहीं होता है जो पोको F1 में हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे शॉप जो अलग अलग कैटेगरीज की एप्स होती है, पर ये फीचर दोस्तों इसमें थोड़ी 29 अगस्त को ये प्ले स्टोर में आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। पर दोस्तों ये बीटा ऐप आप यूज कर सकते हो, बहुत ही स्टेबल है, इसमें कोई यहाँ पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा और सभी चीजें अच्छे से चलती है। और दोस्तों ये विदाउट रूट है तो इसमें थोड़े फीचर हमें कम देखने को मिलेंगे, पर दोस्तों सभी चीजें ठीक चल रही है, चाहे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक फाइल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फाइल सेव करके रखा है पोको F1 के नाम से, तो ये डायरेक्ट फाइल का लिंक दे दूंगा, वहां पे दोस्तों आपको सभी चीजें मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों पोको F1 का आपको रिंगटोन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ रिंगटोन है। तो और ये लॉन्चर बीटा ऐप दोस्तों आपको बस इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ये अपने आप होम सिस्टम के होम लॉन्चर पे सेट होगा, नहीं होता है तो आपको यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में जाके यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड एप्स पे आना है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स आने के बाद इस 3 डॉट पे टच करना है आपको और यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स में जाना है और यहाँ पे दोस्तों लॉन्चर में आपको लॉन्चर सेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पोको फोन के जितने भी वॉलपेपर्स है यहाँ पे आपको दिए है। यहाँ पे दोस्तों एक वॉलपेपर आपको चूज करके यहाँ पे, जैसे मैं ये इसको चूज किया, यहाँ पे मोर में जाके सेट वॉलपेपर करके इसे अप्लाई करना है, तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। तो दोस्तों ऐसे आप पोको फोन के कुछ फीचर्स यूज कर सकते हैं विदाउट रूट, और इसके लिए रूट की जरूरत नहीं है। तो वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले रेडमी नोट 5 प्रो के लिए, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो डाउनलोड फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।